हेलो देयर एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग और वायरल प्रोडक्ट का, विच इज द ग्लो एंड लवली सीसी क्रीम। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, होप यू वीडियो आपको अच्छी लगेगी एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट रोलिंग। जिन लोगों को पता होगा, देयर यूज टू बी अ ब्रांड नोन एज फेयर एंड लवली एंड उन्होंने अब अपना नेम चेंज करके ग्लो एंड लवली कर लिया, विच आई फील लाइक इज रियली ग्रेट, बिकॉज वो फेयर वाला जो कॉन्सेप्ट था इट वॉज प्रिटी वियर्ड, बिकॉज डस्की स्किन्स आर एज ब्यूटिफुल एज फेयर स्किन, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट। ठीक है, तो इन्होंने अब अपना नेम कर दिया है ग्लो एंड लवली और मैंने इनकी परचेज करी है ग्लो एंड लवली बीबी क्रीम। सॉरी, मैंने इंटर में सीसी क्रीम बोल दिया। दिस इज द मल्टी वाइटमिन क्रीम विद फाउंडेशन। ये आपको कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में रिसीव हो जाती है। नाउ ये वाला मैंने छोटा पैकेजिंग लिया है, आई डोंट नो इसमें यही साइज आते हैं कि और साइजेस भी आते हैं, बट ये मुझे अराउंड 80 या 90 रुपीज में पड़ी थी, दैट मीन्स अंडर 100 रुपीज। इसमें सिर्फ एक ही शेड आता है, दैट इज ऑल, इसमें और कोई शेड्स नहीं आते हैं, बिकॉज आई ट्राइड सर्चिंग, मुझे तो नहीं दिखे। तो यू गाइज डू लेट मी नो क्या इसमें और शेड्स आते हैं या फिर नहीं, बिकॉज मैंने जितनी भी जगह पे देखा ना, मुझे ये एक ही शेड दिख रहा था, दैट इज 01। तो या शेड का एक दिक्कत है कि सिर्फ एक ही शेड दे रहे हैं, इवन तो आपने अपना ब्रांड नेम चेंज कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट स्टिल आप और शेड्स नहीं लेके आ रहे हो। साथ ही साथ इसमें आई फील लाइक एक शेड और होगा, बट ये शेड इतना ज्यादा लाइट है ना, जो आपको अभी आगे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिक कुछ डिटेल्स दे रखी है, 18 ग्राम्स की आपको क्वांटिटी मिल जाती है। इट सेज फर्स्ट स्टेप, ये आपको कवरेज देता है ऑफ डार्क स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस फॉर एन इवन स्किन टोन। सेकंड, इट्स मैट, इट गिव्स यू अ नॉन ऑयली फील। एंड थर्ड अप, ये आपको सन प्रोटेक्शन भी देता है। एज इट सेज इसके अंदर SPF 15 है, ग्लिसरीन है, नायसिनामाइड है, सो बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। इट सेज इट्स अ ब्लेंड ऑफ स्किन केयर एंड फाउंडेशन। ये आपको एक इंस्टेंट मेकअप लाइक ग्लो देगा एवरीडे बेसिस के लिए। तो सबसे पहले ना मैं आपको इसकी एप्लीकेशन दिखाती हूँ अपने पूरे फेस के ऊपर, देन हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, नाउ दैट यू हैव सीन द एप्लीकेशन की एप्लीकेशन कैसे करी है, एंड अगर आप ये फुल फेस मेकअप अभी मेरे फेस पे देख भी रहे हो ना, इसको भी मैंने इसी सिंगल प्रोडक्ट की हेल्प से की है। डोंट वरी, इस लुक के ऊपर एक कंप्लीट जो मेकअप वीडियो है वो मैं नेक्स्ट मंडे या ट्यूजडे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, व्हेन यू ओपन इट अप, दिस इज हाउ यू रिसीव इट। एंड नॉर्मली जिस तरीके से आपका प्रोडक्ट आता है ना, आई फील लाइक नोजल वगैरह होता तो और बेटर होता, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा यू नो हाइजीनिक और साफ सुथरा रहता है। This is how it looks like and this is the shade one. Now, it has this very strong and बहुत ही ज़्यादा अजीब सी फ्रेग्रेंस है। लाइक नॉर्मली जिस तरीके के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आती है, फेयर एंड लवली की क्रीम में से जैसे आती थी, सेम इसमें आती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द कंसिस्टेंसी, इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल है बीबी क्रीम की तरह। इट्स नॉट वेरी थिक, इट्स नॉट वेरी लिक्विडी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी है। एंड जिस तरीके से आप देख सक रहे हो, हाथों पे ये अच्छे से ब्लेंड आउट हो रही है। नाउ यू कैन टेक अ लुक एट दैट। थोड़ा सा टाइम लेती है ब्लेंड होने में, बट धीरे धीरे करके ये इजिली ब्लेंड आउट हो जाती है। शेड की अगर मैं बात करूं, तो शेड जैसा हम पहले भी बोल चुके हैं, एक सिंगल शेड आ रहा है, एंड ऑब्वियसली ये शेड सारी स्किन टोन को सूट नहीं करने वाला। आई यूज इट एंड आई फील लाइक ये वाला शेड मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा येलो था, बिकॉज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, माई फेस इज लुकिंग सो येलो कम्पेयर टू माई नेक, तो मुझे बहुत ही ज्यादा येलो शेड लगा। ठीक है, शेड की बात हो गई, अगर हम बात करें इसकी ब्लेंडेबिलिटी की और ये किस तरीके से लगता है आपके फेस के ऊपर। फर्स्ट अप, कवरेज इज आई फील लाइक मीडियम,
बहुत ज्यादा कवरेज नहीं है एंड यहाँ पे तो स्टिल मैंने एक ब्रश यूज किया था टू ब्लेंड आउट द प्रोडक्ट। एंड अगर मैं बात करूँ कि ब्लेंड किस तरीके से हुआ था, हैंड्स की अगर हम बात करें ना, हैंड्स पे यूजुअली हमारे पोर्स नहीं होते हैं, टेक्सचर नहीं होता है, तो वो इजिली हाथ पे प्रोडक्ट ब्लेंड आउट हो जाता है। लेकिन हमारे फेस पे पोर्स होता है, टेक्सचर होता है, तो आई फील लाइक ये ना बहुत ही ज्यादा फटने लग जाता है, प्रोडक्ट ब्रेक आउट हो जाता है, बहुत ही वियर्ड सा टेक्सचर, जैसे यहाँ पे टी जोन एरिया पे माउथ के अराउंड मुझे नोटिस हुआ कि बहुत ना अजीब सा लग रहा है और बार बार वो फट रहा है प्रोडक्ट जो मैं अपने फेस के ऊपर लगा रही हूँ। अगर आप डायरेक्टली फिंगर पे अच्छे से वार्म अप करके लगाओगे ना, यू हैव टू अप्लाई इट लाइक अ मॉइस्चराइजर, तब जाके आपकी स्किन पर ये थोड़ा सा नॉर्मल लगने वाला है। अगर आप इसको मेकअप करने के बेसिस से या फिर फाउंडेशन की तरह यूज कर रहे हो तो आई वोंट से ये वर्क करेगा, बिकॉज यू कैन नॉट ब्लेंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडर और ब्रश की हेल्प से, तो ये बिल्कुल ही आपका प्रोडक्ट वियर्ड लगने लग जाता है। यू जस्ट हैव टू टेक अ लिटिल bit of amount, rub it in your fingers, उसको warm up कर लो and just apply it as a moisturizer, तभी जाके product work करने वाला है, ठीक है? Apart from that, product अच्छे से blend out नहीं होता है। Coverage मैं बोलूँगी अच्छी खासी coverage है, आप daily basis पे use कर सकते हैं, ऐसा product है, but it oxidizes। आप देख सकते हो थोड़ी देर पहले मैंने हाथ पे product लगाया था, कितना सारा दिख रहा था, and now you can just take a look at that। मैं हल्का सा इसको हटाऊंगी ना, I feel like हट भी जाएगा, तो oxidize बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मैट फिनिश है। मैं रिकमेंड करूंगी अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली या फिर ऑयली स्किन है तब आप ये वाला प्रोडक्ट ट्राई करना। इन केस यू हैव नॉर्मल और ड्राई स्किन तब आप इसको बिल्कुल भी मत लेना, आपकी स्किन के ऊपर ये नहीं सूट करने वाला। लाइक आई हैव नॉर्मल स्किन टाइप, मेरी ड्राई ऑयली नहीं है, बट स्टिल मुझे लग रहा था कि प्रोडक्ट बहुत ब्रेक हो रहा है मेरी स्किन के ऊपर। तो अगर आपकी वैसे ही ड्राई स्किन है तो आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की मॉइस्चराइजेशन करनी पड़ेगी अपनी स्किन के ऊपर, तब जाके आप ये प्रोडक्ट को यूज कर पाओगे। तो आई फील लाइक इट्स बेटर फॉर दोज विद ऑयली एंड सुपर ऑयली स्किन। एंड गाइज या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इसका जो प्रोडक्ट लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इन केस यू गाइज वांट टू बाय इट। और ये मेकअप लुक अगर आपको देखना है तो फटाफट कर लेना चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन को हिट कर देना, बिकॉज नेक्स्ट मंडे या ट्यूजडे आपको ये वाला लुक देखने को मिलने वाला है। आई अपलोड माई वीडियोज डेली एट 9 AM इन द मॉर्निंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड या दैट इज इट, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।